पहला जो था वो मेरा बाइक स्टंटिंग था। बिल्कुल पहले मैं बाइक स्टंटिंग ही करता था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका अपना नितेश वडेरा। और गाइस आज मैं हूं इस ब्लू ब्यूटी हायाबुसा के साथ। गाइस लुक एट दिस, आप देखिए क्या ब्यूटी है भाई साहब। ये थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी थी तो इसको वॉश भी नहीं करवाया वो, लेकिन आप देखो इसको बोलते हैं भाई साहब ब्लू ब्यूटी, बीस ब्यूटी बोलते हैं। सुबह आज इसी को मैं राइड करने वाला हूँ, थोड़ी सी आपके साथ मोटर ब्लॉगिंग करूँगा, मज़ा आएगा बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि थोड़ा जिम से बाहर निकलो, तो यही कोशिश में हूँ कि मैं आज थोड़ी सी राइड भी कर लूँगा, थोड़ी सी आपसे बातें भी कर लूँगा, काफ़ी मज़ा आएगा। इस पहले जल्दी इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि इसको 5 मिनट लगेंगे स्टार्ट होने में कम से कम, उसके चलते हैं आपसे एक राइड पर। चलिए गाइस चलते हैं एक छोटी सी राइड पे, पहले इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाके इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि इसको लगता है 5 मिनट। इसको भाई हिलाना भी नहीं, ये हाथी का बच्चा छोटा। इसको पहले बाहर लाया, पहले इसको करना कोल्ड स्टार्ट। ये थोड़ी इसको होने देते कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में लगते लगते हैं भाई इसको। इसके अब क्या जितनी तारीफ और उतनी कम है, क्योंकि ये भी मेरे भी बचपन का यही प्यार है हायाबुसा, क्योंकि आजकल काफ़ी बाइक्स आ चुकी है, लेकिन जिसका बचपन का प्यार हायाबुसा वो हायाबुसा ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं करता, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है। तो गाइस हो चुकी है ये कोविड स्टार्ट, इसका हो चुका है, चलेंगे एक छोटी सी राइड पे। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, क्योंकि लास्ट बार में सब क्या हुआ, एक्चुअली मैं संडे राइड पर निकला भूसा लेके, तो हुआ क्या, मैंने सब ब्लॉगिंग वगैरह कर ली, घर जाके जब मैंने इसको देखा तो मेरी जो साउंड थी उसमें हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इन ड्रास जिसको बोलता वो बहुत ज़्यादा था, तो वो पूरी की पूरी वीडियो मेरी वेस्ट हो गई। और आई होप इस बार वैसा ना हो, काफ़ी मेहनत की है भाई बिन ग्लास के रोकने के लिए, देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा जम्मू सिटी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जम्मू में तो मज़ा आता नहीं है बाइक चलाने का, तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल के मज़ा आएगा आपसे बात करके। शायद इसमें हवा थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, मैं चेक करवा लूँगा अभी, तो अपनी थोड़ी सी लाइफ जो है उसको एंजॉय कर लें, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले कुछ पता नहीं। इतना बताओ भाई संडे राइड किस किस को पसंद है, क्योंकि वैसे मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए बाहर निकला हूँ, पहले थोड़ा सा इस पर करवाएंगे पेट्रोल रिफिल, उसके बाद आपसे आराम से गपशप लगाएंगे, क्योंकि भाई पेट्रोल बहुत जरूरी है, तो पहले पेट्रोल के लिए जाते हैं। यहाँ पे दिखा है एक पेट्रोल पंप, थोड़ी सी आप सकअप में लगाएंगे, तो बस गाइस यही एक कुछ शौक जो मैंने पाल रखे हैं। पहला जो था वो मेरा बाइक स्टंटिंग था, बिल्कुल पहले मैं बाइक स्टंटिंग ही करता था, तो वो तो छूट गई, अच्छी बात है। उसके बाद मैं आया बॉडी बिल्डिंग में, तो यही दो शौक पड़े हुए हैं। और
बाइक स्टंटिंग में उस टाइम कर रहा था मैं जब कोई होता ही नहीं था। आजकल के बच्चे जो स्टंटिंग करते हैं ना, ये आजकल करता है सब कुछ देखे, उस टाइम कोई नहीं होता था भाई। ये मैं बात बता रहा हूँ 2007-08 की, और मेरे पास बाइक थी उस टाइम Blue 220। वो स्टंटिंग किया था भाई बहुत ज़्यादा। हमारा एक ग्रुप था जम्मू का जिसका नाम था शॉक स्टार, उसमें हम 6-7 मेंबर्स हैं। उसके अंदर हम डेली हमने स्टंटिंग करनी सिद्धरा रोड में, तब इतना कुछ पुलिस का कोई जोशा नहीं था। अब तो भाई बहुत एक्टिव है, अच्छी बहुत एक्टिव है, क्योंकि ये इलीगल चीज़ अगर आप ऐसे रोड पे कर रहे हो तो खुद को भी खतरा है और भाई साहब जो जा रहा है उसको भी खतरा है। तो अगर आपको करनी है तो कोई एक सेफ प्लेस देखे, वहाँ जाके परमिशन ले और वहाँ जाके आप अपने स्टंट्स जो आप परफॉर्म करना चाहते हो वो करें। और गाइस हायाबुसा जो है ना, ये 90s के बच्चों का प्यार है, क्योंकि उस टाइम एक ही बाइक होती थी और वो थी हमारी हायाबुसा। तो दोस्तों हायाबुसा 90s के बच्चों का प्यार है भाई, क्योंकि 90s के बच्चों ने उस टाइम पहली जो सुपर बाइक देखी थी वो थी हमारी हायाबुसा। तो वही प्यार चलता है, और प्यार शिद्दत से होता है और प्यार एक ही बार होता है, तो बस वही प्यार करते आ रहे हैं उसको और यही पसंद है तब से अब तक। आई होप जो 90s के बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका भी मुझे लगता है शायद से यही प्यार होगा हायाबुसा, क्योंकि भाई बचपन इसको देख देख के बड़े हुए हैं यार। मूवी आई थी धूम, उसमें भी हायाबुसा जब रोड पर देखते थे उस टाइम, तब भी हायाबुसा। जा रहे हैं हम स्टेडियम के अंदर और यहाँ पे हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, बस अच्छी बन जाए। ये है वो कावासाकी निंजा जो आपको बताई थी 300, ये भी हमारे साथ आज थोड़े से लाइक थे। जगह सही है, यहाँ करेंगे शूट छोटा सा। यहाँ भाई साहब थोड़ा जैसे बताया था मैंने आपको शॉर्ट्स के लिए थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ, सुथवीर कोशिश कर रहा है कि वीडियो सही से बन जाए। काफी गर्मी हो चुकी है। ओके सुथवीर चलते हैं यार। हाँ चलते हैं, आप इवनिंग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। इस भाई ने हमारी जो आप रील्स आप जो शॉर्ट्स देखोगे ना, वो इसने ही बनाई है हमारी। देख लो कितनी मैंने सुबह उठ के बेचारा स्पेशल हमारे लिए रील बनाने आया है। कोई नहीं, शाम को मिलते हैं इसको। ठीक है सुधीर चलते हैं फिर, मिलते हैं शाम को। ओके चल बाय 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 बाय। रील्स हमारी बन चुकी है, अब चलते हैं वापस उसी रोड पर और बाइक पार्क करके करते हैं इस ब्लॉग का खत्म। बस मुझे अब दोस्तों इतना बता देना कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं यही कोशिश करूँ कि संडे आपके लिए एक राइड लाता रहूँ, क्योंकि अब यही मेरी एम है कि मैं इस बार मैं एक्टिव रहूँगा यूट्यूब पे। कि लास्ट टाइम मेरा जो है नॉर्मल डेज होने के बाद भी मैंने वीडियोज अपलोड करना बंद कर दी, क्योंकि बिजी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। आप अगर बिजी हो भी जाऊं तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि हफ्ते या 10 दिन में मैं एक वीडियो ला सकूं कैसे नहीं कैसे करके, ताकि आपको पता लगे कि भाई ये बंदा एक्टिव है, ये तो सबके सेवन सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब के नाम से जा रहा है भाइयों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मजा आएगा। आज का जो ये ब्लॉग था ये इतना सा ही था, एक अब मैं छोटी सी राइड लूँगा उसके बाद बाइक पार्क करने के बाद आपसे आराम से बात करूँगा, क्योंकि तो काफ़ी होगी मोटर ब्लॉगिंग इतनी आती है भाई जितनी मैंने अभी तक की है। तो छोटी राइड लेते हैं, बाइक पार्क करने के बाद आपसे फिर बात करता हूँ। दोस्तों बाइक कर दी हमने पार्क और बस इतना ही था ये जो आज छोटा सा जो ब्लॉग था। कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आएगा और आगे जाके मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। जिम की तो मेरी एक वीडियोस तो आएंगी। तो अगर आपको मेरी मोटर ब्लॉगिंग पसंद आ रही है तो मैं ये भी एवरी संडे आपके लिए एक राइड लेके आऊँगा। तो बालों मत जाना भाई, क्योंकि हेलमेट डाली थी सब कुछ ख़राब हो चुका है, बुरी हालत होगी क्योंकि ये बहुत हीट मारती है। तो दोस्तों इसको ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, बस इतना सोचता हूँ कि
जितनी मैंने कोशिश की आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, ये वाला पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे जाके और मोटिवेटेड फील करूँगा, तो मैं अपना अकाउंट फिर से एक्टिव रखूँगा आप लोगों के लिए। तो करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म और मिलेंगे किसी नई वीडियो में।